एम्बुलेंस खड़ी है, मरीज मर रहे हैं, एम्बुलेंस कहता है जी मैं देखो इतने 20 किलोमीटर जाना, 20,000 दो 25,000 दो फिर दिया। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी लुधियाना पहुंचे जिथे उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा ते वड्डे सवाल चुके अते कहा कि केंद्र सरकार आपदा नूं अवसर विच बदलन की कोशिश कर रही है। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि देश विच कोरोना महामारी नाल लोक मर रहे ने अते सरकार हर फ्रंट ते नाकाम साबित हुई है क्योंकि हस्पतालां विच ऑक्सीजन की वड्डी कमी है। ऑक्सीजन देश विच होण दे बावजूद इसकी कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा अते दिल्ली दे विच ऑक्सीजन ना मिलन करके जो बीते दिन लोगों की जान गई है इस दे चलदियां सरकारां दे खिलाफ कतल दे मामले दर्ज होने चाहिए ने। उन्होंने कुछ दिन पहला दिता अपना बयान मुड़ दोहराया कि जो लोग कोरोना तो पीड़ित ने अते हस्पतालां विच जिन्हां नूं बैड नहीं मिल रहे ओह भाजपा दे विधायक संसद मेंबरां दे घरे चले जान। उत्थे किसानी धरने नूं लैके गुरनाम सिंह चडूनी ने साफ कहा कि धरना उदो तक खत्म नहीं होएगा जद तक सरकार खेती कानून रद्द नहीं करदी। देखो ये जिहड़ा है पंथक परिवार है, धार्मिक परिवार है, ते इहने नाल साडा मिल बरतन ते पता लैण आए आ, उत्थे माता जी नाल ने माता जी दा पता लैण आए आ, ते सति श्री अकाल इहनां नाल हो जाएगी हुण जा अज पहला सरकार किवें किवें देखदे हो जी जिवें अज की कोरोना काल चल रहा है, लगातार केस वध रहे ने, आंकड़ा वधदा जा रहा है और इहदे विच जो किसानी धरना वह भी चल रहा है, की कहना चाहोगे? देखो किसानी धरना जिहड़ा है वह लगातार चलता रहेगा, कोरोना के विच भी चलता रहेगा क्योंकि सानू साडा जिहड़ा रोजगार है वह साडा रोजगार खोया जा रहा है, तो जे साडा रोजगार खोया जाता है साडी खेती जाती है तो फिर साडा तो भुख नाल मरना तय है, तो असी भुख नाल मरन की बजाय असी अपने मोर्चे से मरना ज़्यादा पसंद करेंगे, भावें बीमारी नाल मरीए भावें सरकार की गोली नाल मरीए, तो यह अंदोलन साडा जिहड़ा है वह जारी रहेगा, उदों तक जारी रहेगा जब तक असी जित नहीं जाते। तो दूजी गल मैं ये कहना चाहगा कोरोना की भी जी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने आपदा नूं अवसर दे विच बदलिया है, हालांकि बड़ा पाप हुंदा है आपदा दे विच अवसर लभना, यह बड़ा पाप हुंदा है, तो इन्होंने कोरोना दे विच 5 जून नूं एक कानून लागू किए अध्यादेश लियाए, उस टाइम कोरोना की बड़ी महामारी सी, बड़ा रौला उस टाइम पिया होया सी, ते इह जिहड़ा ने इस करके कि भी कोरोना दे नां ते लोग बाहर निकलणगे नहीं, डरे हुए लोग अंदोलन होएगा नहीं, तुसी लागू चुपके जे कर, ते ये खेती कानून नहीं है, ये खेती व्यापार कानून है, ये खेती जिहड़ी है या तो भोजन हुंदी है या फिर वो जीविका हुंदी है, खेती व्यापार नहीं हुंदी, ते इस करके अंदोलन लड़ना साडी मजबूरी है क्योंकि साडा रोजगार जाएगा, होर साडे कोल करन वास्ते कुछ है नहीं, ते वो साडी जिंदगी नाल जुड़िया होया सवाल है। आप काफ़ी लंबा अंदोलन हो चुका है जी, काफ़ी ज़्यादा समा हो गया बैठे हुए उत्थे, तो लगातार तुम जो विरोध किया केंद्र सरकार का, तो पश्चिमी बंगाल के भी जो इलेक्शन के जाके स्पैशल तुम जी ड्यूटियां निभाइया ने उसे भी जाके विरोध किया, किस तरह देखते जो नतीजे आ रहे हैं रुझान जोड़े थे अज लगभग बीजेपी जोड़? देखो अब जो नतीजा पश्चिमी बंगाल के आ रहा है ये सानू लगता है भी जी उ मेहनत की है असं भी जाके आए हाँ वह फर्क पे है, तो लोगों जोड़ा वर्तावा बीजेपी कर रही है वह नतीजा है, तो अज साढ़े 5 महीने अंदोलन उत्थे बैठे सानू हो गए 5.25 महीने, इन दिनों के बीजेपी का जोड़ा ग्राफ है पूरे देश के बहुत ज़्यादा डाउन होया, तुम देखो पंजाब इन्हों कि कोई बढ़न नहीं दिता, हरियाणे च किते कोई बढ़न नहीं दिता, 100 जगह तो असीं भजा लिया इन्हां नूं, प्रोग्राम नहीं करन दित्ते, ते बीजेपी का जिहड़ा ग्राफ है वह लगातार डाउन जा रहा है, पर बीजेपी मतलब हर धर्मी जिहनूं कहिंदे ने या जिहनूं राज हट आपां कह दिंदे आ वह राज हट अपनाए हुए ने, ते इह राज हट ना ते देश वास्ते ठीक हुंदा है ना राजा वास्ते ठीक हुंदा है, मतलब आपां देख लईए रावण का उदाहरण देखिए, आपां दुर्योधन का उदाहरण देखिए, राज हट दे विच परिवार भी तबाह होया ते राज भी तबाह होया, तो यही हाल मोदी ने करके जाना है। कितना कितने लगता है कि जिस तरह बड़े सवाल जो चुके जा रहे थे कि किसान नेता जिहड़े ने मतलब इन दोनों तो हट के हुण इलेक्शन लड़नगे या जिस तरह जी हुण 2022 दी चोणां आ रही ने उस दे विच किस तरह का जिहड़ा तुहाडा रोल रहेगा कि इलेक्शन जिहड़ी है लड़नी? देखो अजे तक तो कोई इस तरह की गल सामने नहीं आई कि भी अंदोलन तो हट के कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई गल सामने नहीं आई, पर जे लड़ लैण ते पाप कोई नहीं, क्यों? क्योंकि 65% वोट के मालक भिखारी बने हुए ने, तो 35% वोट जिन्हों पैंती है वह राज आता वो सत्ता आँगी, असी इन्हों राज सौंप के 5 महीने तो पे हुए सड़क से 400
तो वह साड़ियाँ लाशा उतों आ चुकिया ने कि जे कोई इलेक्शन लड़ता है तो मैं तो कहना चंगा लड़ता है लड़ना चाहिए है साड़ी गल जा देख हो दसा सर छोटू राम ने जे कोई अभी पूछते हैं भी उन्होंने बड़ा किसानों वास्ते किया क्योंकि राजनीति में ही तो किया अज बाबा अंबेडकर साहब ने आप कहने उन्होंने मजदूर वास्ते बहुत किया राजनीति में ही तो किया जे आप सब तो वही गल देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा राज बिना नहीं धर्म चले है धर्म बिना सब दले मले इतु वाला उदाहरण की हो सकता है हरिमंदर साहब उदाहरण तुम देखो दो साल साहब लगे हुए हैं मेरी जी का इतु वाला उदाहरण साहब सामने की हो सकता है राज जड़ा है सरकार जी है वह धरती की दूजी खुदाई होती है सब तो वाला सवाल है जी जिस तरह हम कणक की जी है प्रोक्योरमेंट हुई है कणक की जी मंडिया के आई थी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है सू किस तरह देखते हो भी सैटिस्फाई हो इस भी किसानों की जी एसपी कणक की खरीद सही हुई है ज ये तो दिक्कत अगर होर आनियाँ ये होर आनियाँ ने दिक्कत आगे जिम्मे हरियाणा के चार मंडिया ताले लाते उन्होंने मंडिया ताले ला के सीधे सैलो ग्राम से लै जाओ तो अगे वास्ते होर पंजाब से ही होगा इस बार तो पंजाब से उन्होंने दुपहरा दिता से इस बार तो दोनों चल रहा है अगले साल होएगा मंडिया खत्म तो जी चीज़ा ने फिर एम एस पी नहीं होंगे उन्होंने कंपीटिशन नहीं करा सकते बिना मंडी को मतलब जोड़ा है ये बिल्कुल सरकार उस रस्ते से चल रही है भी जोड़ा इन्होंने कानून लागू किए हैं उन्होंने अड़े हुए हैं भी असी कारपोरेट का फायदा कर नहीं करना किमें देखते हो सर दिल्ली के जिमें लगातार कोरोना काल वध गया ऑक्सीजन की कमी आ गई और देश के कई जगह से ऑक्सीजन की कमी बहुत घट हो चुकी है और मरीज मर भी रहे हैं कि देखते हो कि सरकार किस तरह देखते हो चीज़ मैंने लगता कमी है नहीं कमी की गई है दो सवाल मैंने सरकार के नंबर एक चीज बस सरकार साल तो वह कोरोना हो गया सरकार सो रही है उन्होंने पता नहीं ऑक्सीजन की लड़ पैंती है देश उन्होंने पता नहीं दवाई की लड़ पैंती है देश उन्होंने पता नहीं एंबुलेंसा की लड़ पैंती है अज गैस ब्लैक शर्म की गल तो वे शर्म की गल समाज वास्ते हो ही नहीं सकती मरीज ऑक्सीजन तो बिना मर रहा सिलेंडर उसके को है वह कहता जी मैं तो वह पैसे लेकर 25,000 लेके दिया एंबूलेंस खड़ी है मरीज मर रहा है एंबूलेंस कहता है जी बस देखो जी उसे 20 किलोमीटर जाना 20,000 दौ 25,000 दौ फिर दें फिर जाऊँगा मतलब मौत का सौदा करें एदू वी की हो सकती है जो ये सड़क से जाते मुंडिया कुट सकते हैं डंडिया योजे ब्लैकियां फड़ फड़ के चौंकते क्यों नहीं कुटते क्यों उन्होंने कदम दर्ज करके जेल च नहीं भेजते वो मार रहे हैं लोगों को दूजी गल मैं सरकार को यह कहंगा भी इन्ने दिन चो बैड नहीं पूरे कर सके इन्ने दिन चो ये इंतजाम नहीं कर सकते कालजा के हस्पताल बना दो स्कूलों के हस्पताल बना दो बंद पे ने बी कम की होंगे सरकार का ये तो हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को गैस नहीं दी 28 मरीज मर गए ना लिया साडा कहते किसानों ने गैस नहीं आ दी ये कतल का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए हरियाणा सरकार से मतलब ये जड़ी चीज़ा ने सरकार की महानकामी महानकामी है इस चीज़ उत्ते देखा जाता है कि लोगों ने लंगर भी लगाए हुए कई जिते वर्गियों ने इकट्ठे होकर लंगर भी लगाए मैं उही कह रहा भी यहाँ मतलब गैस वो कितों लिया जिन्हें लंगर लाए हैं जो फ्री दे रहे हैं जो फ्री दे रहे हैं रब दार वो कितों जाए ने गैस तो ही तो फ्री दे रहे हैं यह मतलब गैस तो है गैस तो है पर ब्लैक कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहगा जनता को लोगों मैं ये कहना चाहगा भी जिसे मरीज का इलाज ना हो जिन्हों बैड ना मिले जिसे मरीज को गैस ना मिले जिसे मरीज को एंबूलेंस ना मिले उन्हें तो मरना ही है ना बेचारे ने जिन्हें मरना ही है उन्हें यह बीजेपी के नेतावान के घर ले जाने वाली सू देखने लगता है कि दिल्ली तो जो जिन्ना मरीज है पंजाब वालों आ रहा है हॉस्पिटल तो भरे हुए बहुत भर चुके हैं तो यू किस देख रहे हैं उ चीज़ है कि भी इन्होंने इंतजाम किया ही नहीं बस उ हस्पताल ने जोड़े है होर नवा इंतजाम किया ही नहीं अजे भी नहीं कर रहे अजे भी नहीं कर रहे मैं कह रहा जो कॉलेज खाली पे ने जो स्कूल खाली पे ने सारे हस्पताल बदले जा सकते हैं उन्होंने हस्पताल बनाओ मैं तो इतों तक भी सुनया कि डॉक्टर ही हाजिर रहते हैं जाने के कोरोना तो डरते सर दीप सिद्धू किस तरह देखते भी दीप सिद्धू जो रिहा हो गया है अंदोलन के की तो उन्होंने जो स्वागत किया जाऊगा किस तरह उन्होंने जो पंजाब वाले का मैटर है जी वो सा मैटर वो पंजाब की जथेबंदी है उन्होंने
अंदोलन का हिस्सा है पर पंजाब की जथेबंदियां का मैटर है क्योंकि असी तो सारा ये सारा पंजाब का मैटर पंजाब की अज भी जो महापंचायत हो रही है क्यों उन्होंने देखिए जी महापंचायत जो हुई हरियाणा के लिए पंचायत उत्ते कहते परचा भी हो चुके हैं ये सारे तौर ने परचे साढ़े की भी गल हो उन्होंने तो भी होया उस पहला अभी भी होनी की उत्तर भी होया साढ़े हो जिते रैलियां कर रहे उसे परचे तक हो कहना चाहोगे सरकार भी अंदोलन इस तरह जारी रहेगा अंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा अंदोलन बंद नहीं किया जाएगा हाँ एहतियात असी जड़ा है जो सरकार ने कह दिया टिक्के लवाओ असी कह रहे हैं भी उत्थे तुसीं कैंप ला दो जो टिक्का लवाना चाहिए लगवाएगा जे जी चैकिंग कर रहे हैं टैसट कर रहे हैं टैसट असी नहीं करन देंगे क्योंकि एक नकली कह के कोरोना दस के कहेंगे उठो इतों टिक्के असी जरूर वो कह भी टिक्के जो लगवा तो ही लगवाए पता नहीं मेरे को गल अजे तक नहीं आई किने कहा कितों गल शुरू हुई है मेरे को अज तक गल नहीं आई पर जो लड़ते ने बुराई कोई नहीं लुधियाना तो रुपेश कुमार की रिपोर्ट वधेरे खबरां लई तुसी वेखते रहो अजीत वैब टीवी देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत